हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। आज आपकी मॉरल साइंस की बुक से चैप्टर सिक्स फ्रेंड्स इन डीड पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। आज हम आपकी मॉरल साइंस की बुक से चैप्टर सिक्स फ्रेंड्स इन डीड पढ़ेंगे। फ्रेंड्स इन डीड, सच्ची मित्रता। दोस्त वास्तव में ज़रूरत में एक दोस्त है जो वास्तव में दोस्त है, जो ज़रूरत पड़ने पर दोस्ती निभाता है वही वास्तव में दोस्त है। ए फ्रेंड्स इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। मिसफॉर्चून शोज दोज हु आर नॉट रियली फ्रेंड्स। जिनके मित्र नहीं है उनका दुर्भाग्य है, वे दुर्भाग्यहीन हैं जिनके मित्र नहीं हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक स्टोरी है जो दो मित्रों की सच्ची मित्रता को दर्शाती है। द ट्रिप, ट्रिप माने यात्रा। एक यात्रा का विवरण है जिसमें दो दोस्त की एक कहानी है जो सच्ची मित्रता निभाते हैं, पढ़ेंगे हम। क्लास सेवन विल गो टू द कांजीरंगा नेशनल पार्क नेक्स्ट मंडे। द प्रिंसिपल ऑफ विवेकानंद बॉयज हाई स्कूल अनाउंस्ड। विवेकानंद बॉयज हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की कि कक्षा सात अगले सोमवार को कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जाएगी। वी विल वॉक इन द वुड्स एंड वॉच द वाइल्ड एलिफेंट्स एंड डायनासोर्स। वहाँ पर हम जंगल में चलेंगे, जंगली हाथियों को देखेंगे और गैंडों को देखेंगे। हु वॉन्ट्स टू गो, कौन कौन जाना चाहता है। ऑल द चिल्ड्रन रिसाइ देयर हैंड सो डिड प्यूस। सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, प्यूस ने भी ऐसा ही किया। द प्रिंसिपल स्माइल्ड एंड सैड हु ऑब्जेक्ट्स। प्रिंसिपल मुस्कराए और उन्होंने कहा किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। देन ऑल द चिल्ड्रन रेस्ड देयर हैंड्स अगेन एंड सो डिड प्यूस। नहीं, तुम सभी बच्चों ने, उन बच्चों ने फिर से हाथ उठाया और प्यूस ने भी ऐसा ही किया। द प्रिंसिपल वॉज वेरी सरप्राइज। प्राचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। डू यू वॉन्ट टू गो द नेशनल पार्क और डोंट यू, ही आस्क्ड। उन्होंने कहा कि आप लोग सभी राष्ट्रीय उद्यान जाना चाहते हैं या नहीं, उन्होंने ये पूछा। वी डू, द चिल्ड्रन शाउटेड क्लैपिंग शाउटिंग एंड लॉफिंग ऑल एट वंस। सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाकर हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। फिर दूसरी बार उन्होंने हाथ उठाया। दे देन वाई डिड यू राइज योर हैंड्स द सेकेंड टाइम। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग ने दूसरी बार हाथ क्यों उठाया। नो वन कुड एक्सप्लेन, कोई कुछ नहीं बोला, सभी चुप थे। फाइनली वन ऑफ द बॉयज सेड इट्स बिकॉज वी ऑल लाइक टू वोट। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा क्योंकि हम सभी को वोट देना पसंद है। वोट देना पसंद है मतलब किसी भी बात के लिए सभी एक साथ एकता रखना पसंद है, उसमें से चॉइस रखना पसंद है। द प्रिंसिपल लाफ्ड एंड एडेड गेट परमिशन लेटर्स फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड आल्सो आस्क देम टू फिल द फॉर्म दैट योर टीचर विल गिव यू। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल ने हंसते हुए कहा कि अपने अपने माता पिता से अनुमति पत्र प्राप्त करें और उनसे भी फॉर्म भरने के लिए कहें जो अपने शिक्षक से आपको मिल जाएंगे। जो फॉर्म है आप अपने शिक्षक से ले लीजिए और अपने पेरेंट्स से उसको फिल करा के लाइए। द कॉस्ट ऑफ द ट्रिप विल बी 500 रुपीज़। और इस जो यात्रा की लागत है सबको जमा करने हैं वो 500 रुपये होगी। आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग द चेक टुमारो,
ही एडेड, और उन्होंने यह भी कहा कि इस बार 500 रुपए लेकर आप लोग कल यहाँ पर जमा कर सकते हैं। 500 रुपए का जो चेक है कल आप लेकर आओ और जमा करो। इसके बाद उन्होंने कहा, डू यू नो वेयर द कांजीरंगा नेशनल पार्क इज, ही आस्क्ड। उन्होंने पूछा कि कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। दिस टाइम ओनली वन हैंड वेंट अप। इस बार केवल एक बच्चे ने ही हाथ उठाया। यस विवेक वेयर इज इट। हाँ विवेक कहाँ है, उसने उत्तर दिया। इन आसाम सर, ही रिप्लाइड। उसने उत्तर दिया, असम में है सर। यू मस्ट ऑल फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट इट बिफोर यू गो ऑन द ट्रिप। यात्रा में जाने से पहले आप सभी को इसके बारे में पता लगाना चाहिए। ऐसा प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप सभी को उसके बारे में जान लेना चाहिए। नाउ रन ऑफ टू योर क्लासरूम, ही सेड। फिर उन्होंने कहा, चलिए आप सभी लोग अपनी अपनी कक्षा में जाइए। द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड। बच्चे बहुत उत्साहित थे ट्रिप जाने के लिए। आई विल टेक माई न्यू कैमरा। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ। एक ने कहा, आई विल टेक माई न्यू कैमरा, मैं अपना नया कैमरा ले लूँगा। माई कजिन गेव मी ए रियली पावरफुल पेयर बिनोकुलर्स। उसने कहा, मेरे चचेरे भाई ने मुझे वास्तव में एक शक्तिशाली जोड़ी दूरबीन दी है। आई विल ब्रिंग देम अलोंग। उसे साथ लेकर मैं जाऊँगा। देन वी विल बी एबल टू सी द एनिमल्स वेरी क्लियरली। उससे हम जानवरों को बहुत ही स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। द एंटायर क्लास वॉज मेकिंग प्लान्स। इस प्रकार से सभी अपनी अपनी क्लास में जाकर प्लान्स बना रहे थे। प्यूज वेंट होम एंड टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट द ट्रिप। और पीयूष ने घर जाकर अपने माता पिता को यात्रा के बारे में बताया। My friends विवेक is from the northeast। उसने कहा कि मेरा फ्रेंड विवेक नॉर्थ से है। He knows everything about the park and we will have a lot of fun। वह उस पार्क के बारे में सब कुछ जानता है, मैं उसके साथ बहुत मस्ती करूँगा। He told his parents। उसने अपने पेरेंट्स से कहा। They were very happy for him। उसके लिए बहुत ही खुश थे। द नेक्स्ट डे द टीचर आस्क्ड फॉर द फॉर्म्स एंड द चेक। और अगले दिन शिक्षक ने फार्म और चेक मांगे। वन बाई वन द चिल्ड्रन डिपॉजिटेड द एनवलप्स ऑन हर डेस्क। और एक एक करके बच्चों ने लिफाफों को उनकी मेज पर जमा कर दिया। शी वॉज वेरी बिजी दैट डे। उस दिन बहुत ही सब व्यस्त थे। देयर वर ओनली 5 days लेफ्ट and there was so much to do। वहाँ पर जाने के लिए केवल 5 दिन बचे थे और करने के लिए बहुत कुछ था। At the end of the day, she counted out the letters and the checks। दिन बीत जाने के बाद में अंत में पत्रों और चेकों को गिन लिया गया। She counted them again। What was this? यह क्या था। देयर वर 45 स्टूडेंट्स इन हर क्लास एंड शी हैड ओनली 44 लेटर्स एंड चेक्स। उस क्लास में 45 स्टूडेंट्स थे लेकिन चेक और जो लेटर्स थे वो 44 ही थे। शी काउंटेड देम अगेन वेरी केयरफुल। फिर से गिना गया। यस वन वाज मिसिंग। सचमुच एक वास्तव में एक मिसिंग था, उसमें से एक लेटर कम था। Children, she said, who has forgotten to give me the permission letter and the check? She asked the class. बच्चों, उसने कहा, मुझे अनुमति पत्र और चेक देना कौन बच्चा भूल गया है। बच्चों से उन्होंने क्लास में पूछा। All the children looked at one another. सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। Surely, there was a mistake. जरूर कोई किसी से गलती हुई है। नो वन कुड हैव फॉरगॉटन टू हैंड इन हिज एनवेलप। और कोई अपनी
लिफाफे को गलती से यहाँ डालना भूल गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? सडनली विवेक स्टॉप, तभी अचानक विवेक खड़ा हुआ और आई हैव नॉट गिवन यू ए परमिशन लेटर और ए चेक, तभी उसने ये कहा कि मैं आपको फॉर्म और चेक मैंने नहीं दिया है। टीचर आई एम नॉट गोइंग ही सैड वेरी क्वाइटली, और मैं ट्रिप में नहीं जाना चाहता हूँ, उसने चुपचाप पर बड़े धीरे से कहा। द एंटायर क्लास वॉज साइलेंट, सभी क्लास एकदम से चुप खामोश हो गई। ए फ्यू बॉयज एक्चुअली गैस्ड, बच्चों ने आश्चर्यचकित हो गए और कुछ लड़के तो बच्चे उस पर देख के सोचने लगे, कुछ अचंभे में पड़ गए। द टीचर लुक्ड एट विवेक क्वेश्चनली जस्ट देन द स्कूल बेल रैंग, बच्चों ने तभी टीचर ने पूछा, प्रश्नवाचक दृष्टि से विवेक की ओर देखा, तभी स्कूल की घंटी बजने का समय हो गया। इट वॉज टाइम टू गो होम, यह घर जाने का समय हो गया। एवरी वन रज टू कैच द बस होम, और सभी बच्चे घर जाने के लिए बस की ओर दौड़ पड़े। प्यूज वॉज वेरी डिस्टर्ब, प्यूज बहुत परेशान था। ही वॉज वेरी अनहैप्पी टू लर्न दैट हिज फ्रेंड वुड नॉट बी गोइंग टू आसाम विथ हिम, वह जानकर दुखी हुआ था कि उसका मित्र उसके साथ आसाम नहीं जा रहा है। द नेक्स्ट डे पीयूष आस्क्ड विवेक, व्हाई आर नॉट यू कमिंग टू आसाम, अगले दिन पीयूष ने विवेक से पूछा, आप आसाम क्यों नहीं जा रहे हो? आई डोंट वॉन्ट टू गो विवेक सैड, विवेक ने कहा कि मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आई नो यू वॉन्ट टू गो, टेल मी द रियल रीजन, मुझे पता है कि तुम जाना चाहते हो, ऐसा पीयूष ने कहा विवेक से, मुझे असली कारण बताओ, टेल मी रियल रीजन, असली कारण क्या है वो मुझे तुम बताओ। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे सब फुटबॉल खेल रहे थे। विवेक किक द बॉल अवे फ्रॉम पीयूष एंड रन टू द अदर एंड ऑफ द फील्ड, तभी वे सभी फुटबॉल जो खेल रहे थे, विवेक ने पीयूष से कुछ दूर गेंद को लात मारी और सभी मैदान के दूसरे छोर पर भाग गए। सून अदर बॉयज फ्रॉम देयर क्लास ज्वाइन देम, कुछ और बच्चों ने उसको ज्वाइन कर लिया, उसके साथ में खेलने लगे। पीयूष हैड नो अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू विवेक टिल ब्रेक टाइम, और विवेक जो था पीयूष के पास ब्रेक टाइम मतलब विवेक से बातें करने का जो ये समय मिला था उसको गंवाना नहीं चाहता था, कोई और दूसरा उसे मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसने पूछा। नाउ टेल मी द ट्रूथ ही सेड टू विवेक, तुम मुझे सच सच बताओ क्या बात है और क्यों नहीं जाना चाहते हो? माई फादर डज नॉट हैव ₹500 टू स्पेयर दिस मंथ, विवेक सेड क्वाइटली, तब विवेक ने धीरे से कहा, मेरे माता पिता के पास ₹500 अधिक नहीं है, वो मुझे नहीं दे पाएंगे। पीयूष डिड नॉट नो व्हाट टू से, सो ही जस्ट हग्ड हिज फ्रेंड एंड बिगेन टॉकिंग अबाउट द साइंस टेस्ट, और पीयूष को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहे, इसलिए उसने बस अपने दोस्त को गले लगाया और विज्ञान की परीक्षा के बारे में बातें करने लगा। द आफ्टरनून When he reached home, दोपहर में वह जब घर पहुंचा तो पीयूष ran to his room, पीयूष अब भाग कर अपने कमरे में पहुंचा। His mother was calling him for lunch, उसकी माँ दोपहर में खाने के लिए बुला रही थी। But पीयूष would not come, परंतु पीयूष वहाँ नहीं आया, नहीं पहुंचा। So could hear him हैमरिंग समथिंग, उन्हें कुछ उसकी माँ को हथौड़े की ठोकने की सी आवाज सुनाई पड़ी। वॉट इज दिस बॉय डूइंग, ये लड़का क्या कर रहा है? शी मटर्ड गोइंग इन टू पीयूष रूम, ऐसा कुछ बड़बड़ाती हुई बोलती हुई वो पीयूष के कमरे तक चली गई। पीयूष व्हाई आर यू ब्रेकिंग योर पिगी बैंक,
उन्होंने देखा, उन्होंने पीयूष को गुल्लक तोड़ते हुए देखा और बोली, पीयूष तुम अपनी गुल्लक क्यों तोड़ रहे हो? She asked him as soon as she saw what he was doing. यह पूछने लगी, ये क्या कर रहा है? मम्मी, my friend विवेक cannot come with us to Kanjiranga because his father cannot spare the money. मम्मी, मेरा दोस्त विवेक कांजीरंगा नहीं आ सकता है, क्यों? कि उसके पिता उसे अलग से पैसे 500 रुपए नहीं दे सकते हैं। मैं उसे यात्रा के लिए, आई वॉन्ट टू गो हिम द मनी फॉर द ट्रिप, मैं उसकी यात्रा के लिए उसे ये पैसे देना चाहता हूँ। आई नो आई हैव ए लॉट ऑफ मनी इन दिस पिगी बैंक, और मुझे पता है कि इसमें गुल्लक में बहुत पैसा है। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट ओपन, इसीलिए मैं इसे तोड़ रहा हूँ। एंड सो पीयूष एंड हिज मदर ब्रोक ओपन द पिगी बैंक, तभी उसकी माँ ने भी उसकी सहायता की और गुल्लक को तोड़ा। उसमें से देयर वर 350 रुपीज इन इट, उसमें से 350 रुपये 350 रुपीज ही निकले। पीयूष गेस्ड at the money with disappointment, और वह पीयूष ने जो गुल्लक में से पैसे निकले उसको देखकर निराशा हो गई। उसने सोचा कि वह अपने दोस्त की अब मदद नहीं कर पाएगा। He would not be able to help his friend, अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाएगा। That evening पीयूष parents talked to each other softly for a long time. तभी उस शाम पीयूष के माता पिता ने आपस में बहुत देर तक धीरे धीरे बात की। पीयूष वॉज वॉचिंग ए कार्टून ऑन टेलीविजन, और पीयूष जो था टेलीविजन पर एक कार्टून देख रहा था। सडनली ही रन टू हिज फादर, तभी वह दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा। डैडी आई डोंट वॉन्ट ए बर्थडे पार्टी दिस ईयर, उसने कहा अपने पिता के पास जब दौड़ के पहुंचा। वो उसने कहा, पिताजी मुझे इस साल अपनी जन्मदिन की पार्टी नहीं चाहिए। कैन यू गिव मी 150 रुपीज नाउ इंस्टेड ऑफ ए पार्टी इन अगस्त, मुझे इस साल की जन्मदिन की पार्टी नहीं चाहिए, अतः आप मुझे उस अगस्त की पार्टी के बदले में 150 रुपये दे सकते हैं, 150 रुपीज दे सकते हैं, ऐसा उसने पूछा। यस पीयूष आई विल गिव यू द मनी, आई विल आल्सो अरेंज द पार्टी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हारी पार्टी भी करूंगा। आप यू आर ए गुड बॉय, आप एक बहुत अच्छे लड़के हो। फ्रेंडशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी ही सैड, उन्होंने कहा कि पीयूष मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और तुम्हारी पार्टी भी करूंगा और आप एक अच्छे लड़के हो, दोस्ती पैसे से ज्यादा जरूरी होती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग पीयूष गेव द मनी टू विवेक, अगली सुबह पीयूष ने विवेक को पैसे दिए। नाउ यू कैन कम फॉर द ट्रिप ही सैड, और उसने कहा कि अब तुम यात्रा के लिए मेरे साथ आ सकते हो। ही said Vivek did not want to take the money without asking his parents, और विवेक ने कहा मैं अपने माता पिता से बिना पूछे पैसे लेना नहीं चाहूंगा। So they decided to ask their teacher to keep it till Vivek asked his parents and brought the permission letter. इसलिए उसने अपने शिक्षक से तब तक रुकने के लिए कहा कि जब तक उसके माता पिता से वह पूछ नहीं लेता और अनुमति पत्र नहीं लाता। माई पेरेंट्स हैव एग्रीड टू लेट मी गो विथ द क्लास, विवेक टोल्ड पीयूष द नेक्स्ट डे, अगले दिन पीयूष ने कहा मेरे माता पिता ने कक्षा सत्र के लिए साथ जाने देने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने लेटर और जो चेक है आपको देने के लिए कहा। My father will return the money to your father next month, he added. और उसने यह भी कहा विवेक से कि मेरे पिता अगले महीने तक आपको ये पैसे लौटा देंगे। पीयूष हूप्ड विथ जॉय,
और पीयूष खुशी से झूम उठा। द बॉयज हैड ए लॉट ऑफ फन इन कांजीरंगा। अब हम सब कांजीरंगा में लड़कों बच्चों के साथ लड़कों के साथ खूब मस्ती करेंगे। दे रोड ऑन एलिफेंट्स एंड वॉच्ड टू राइनो चेजिंग ईच अदर। उन्होंने देखा कि बहुत सारे वे हाथियों पर भी सवार हुए और गेंडों को एक दूसरे के पीछा करते हुए भी देखा। दे वर इवन अलाउड टू हैव ए पिकनिक इन द फॉरेस्ट क्लियरिंग। और उस वन में उन्हें पिकनिक मनाने की भी अनुमति थी। द टीचर एंड द प्रिंसिपल सेड व्हाट गुड फ्रेंड्स पीयूष एंड विवेक आर। टीचर और प्रिंसिपल ने कहा पीयूष और विवेक कितने अच्छे दोस्त हैं, दोनों की कितनी अच्छी दोस्ती है, सच्ची मित्रता है। अब इस चैप्टर के अंत में कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आपको सॉल्यूशन में दिए जाएंगे, वहां से आप देखकर अपनी नोटबुक में लिखिएगा। आगे एक्सरसाइज टू देखिए। व्हाट डू यू डू इन फॉलोइंग सिचुएशन। यदि आपके साथ ऐसी परिस्थिति होती है तो आप क्या करेंगे। पहला, योर फ्रेंड्स इन इज वीक इन स्टडी। आपका दोस्त पढ़ाई में कमजोर है तो आप क्या करेंगे। आई हेल्प हिम इन हिज स्टडी, उसकी स्टडी में हेल्प करेंगे। दूसरा, योर फ्रेंड इज इन द हॉस्पिटल। आपका दोस्त हॉस्पिटल में है तब आप क्या करेंगे। आई हेल्प हिम टू कंप्लीट हिज स्कूल वर्क, उसका जो वर्क है स्कूल का उसको कंप्लीट करने में उसकी मदद करूंगा। योर फ्रेंड हैज स्टोलन सम मनी, आपके दोस्त ने पैसे चोरी किए हैं तो आप उसको इस सिचुएशन में क्या समझाएंगे। आई एडवाइज्ड हिम, उसको एडवाइस देंगे कि दैट दिस इज वेरी बैड एंड डू इट अगेन, ये बहुत गलत है और अब आगे से दोबारा नहीं करना। ये आप उसको सिचुएशन में इन बातों को बताएंगे। तीसरी एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स या सेंटेंस दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। जैसे पहला है ए फ्रेंड इज ऑलवेज हेल्प्स यू। आई नीड फ्रेंड्स बिकॉज आई नीड ए कंपेयर। तीसरा, द क्वालिटीज आई सीक इन फ्रेंड्स आर हेल्पिंग ट्रूथ नेवर चीट। चौथा, सम पॉजिटिव इफेक्ट और फ्रेंडशिप आर दैट हेल्प्स ऑलवेज दे सजेस्ट दैट वॉट इज राइट योर रॉन्ग फॉर अस। पांचवा, सम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंडशिप कुड बी समटाइम्स वी शेयर अस पर्सनल टॉपिक्स विथ देम एंड दे चीट अस। ये आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करने को दिए गए थे वो आप इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। अब एक्सरसाइज देखिए 6, उसमें आपको करना क्या है। राइट अबाउट एनी 10 क्वालिटीज ऑफ ए गुड फ्रेंड। एक अच्छे दोस्त की क्या क्वालिटीज होने चाहिए, क्या उसमें गुण होने चाहिए, ये आपको लिखना है। पहला, हॉनेस्ट। दूसरा, एक्सेप्टिंग। तीसरा, शेयरिंग एंड केयरिंग। चौथा, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, मतलब सच बोलने वाला, ईमानदार हो। पर्सनल एडवाइजर, लिसनर, सेल्फलेस, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। आठवां, क्लियर यू अप, चीयर अप यू, आपकी प्रसन्नता में साथ दे। नोज यू इनसाइड आउट, फॉर गिविंग। ये 10 क्वालिटीज हैं आपको लिखने के लिए, उसमें आप बुक में लिखिए और इस तरह कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आता है आपका पुट ए स्क्वायर इन द बॉक्स इन स्टेटमेंट इन ट्रू, हाउ मेनी स्क्वायर डिड यू गेट। आपको इसमें स्क्वायर बनाने, यदि ये सेंटेंस आपके लिए हैं, आप यदि इनको करते हैं तो स्क्वायर बनाइए। आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों की हमेशा मदद करते हैं, यदि करते हैं तो स्क्वायर बनाएं। दूसरा, आई डू नॉट हर्ट माई फ्रेंड्स फीलिंग्स, मैं अपने दोस्तों की फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करता, उनकी भावनाओं को हर्ट नहीं करता। यदि आप ऐसा करते हैं तो स्क्वायर बनाएं, नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए। आई डू नॉट फाइट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करता। चौथा, आई लेट माई फ्रेंड प्ले विथ हर हिज अदर्स फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और उसके दोस्त भी हैं उनके साथ भी मैं खेलता हूँ। पांचवा, आई ऑलवेज शेयर द थिंग्स विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपनी चीज़ों को
अपनी वस्तुओं को अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ। ये अगर आप इस तरह करते हैं तो बॉक्स बनाइए, नहीं तो खाली छोड़ दी। इस तरह से आपको एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है।